नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके द्वारा पूछा गया है वीडियो के कमेंट में, जैसे कि बिहार में सेवेंथ फेज कब होगा, यानी कि नोटिफिकेशन कब निकलेगा, बहाली की प्रक्रिया कैसी होगी, पेपर कौन कराएगा, परीक्षा कब होगी, सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे ज़्यादा आप लोग के द्वारा ये पूछा गया है। पेपर का मोड क्या होगा, एग्ज़ाम मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये सभी प्रश्नों का जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। हालांकि सटीक जवाब अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन एक एनालिसिस होता है, एनालिसिस करने के बाद ऐसा पता चलता है कि ऐसा होने वाला है। सटीक जवाब अभी भी किसी को पता नहीं है। आप लोगों ने देखा कि नियमावली 2023 में क्या क्या शामिल है। सबसे पहला कि आप जो है इस नियमावली के जरिए यदि शिक्षक बनते हैं तो आपको बिहार राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इससे पहले शिक्षक जो है नियोजित शिक्षक हैं और राजकर्मी का दर्जा उन लोगों को नहीं मिला है। हाँ, उनसे पहले वाले जो कि 2000 के पहले और 2000 के आसपास में जो बहाल किए गए थे, तभी तो एक विद्यालय में दो तरह के शिक्षक हैं। पहले भी बीपीएससी से शिक्षक की बहाली होती थी, तो उन लोगों का जो वेतन है और अभी जो नियोजित शिक्षक हैं, इन लोगों का वेतन में लगभग 3 गुना उनका ज़्यादा है जो पहले वाले हैं। तो यही फर्क है कि पहले वाले जो बीपीएससी से जो शिक्षक बने थे और अब जो नियोजित शिक्षक हैं, ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो फिर से ये जो है शिक्षक का बहाली जो है एग्ज़ाम मोड किया गया है, और आकर्षक वेतन का मान ही होता है कि ग्रेड पे पे आपकी बहाली होगी। उसमें कहा गया है नियमावली 2023 में कि आप जो है राजकर्मी का आपको दर्जा दिया जाएगा और एग्ज़ाम लेकर ही बहाली लिया जाएगा आपका, बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। और एक कैंडिडेट जो है, एक अभ्यर्थी 3 ही बार एग्ज़ाम दे पाएंगे, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ किया गया है। 3 बार एग्ज़ाम क्यों, 5 बार 6 बार होना चाहिए था। इसके लिए कहिए तो 1 बार आंदोलन करना ही होगा। हालांकि नियमावली का सपोर्ट ज़्यादातर लोग नहीं कर रहा है, उन्हीं लोग कर रहा है जिनके पास टैलेंट है और उनको ऐसा लगता है कि हम एग्ज़ाम दे करके निकाल लेंगे। हालांकि 60-70% लोग चाह रहा है कि एग्ज़ाम ना हो। हालांकि सरकार यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती कर रही है, क्योंकि देखिए एक समय था कि आपने अनट्रेंड की बहाली किया था और आप ही ने ट्रेंड करवाया था 2011 के समय में, और आज जो है एग्ज़ाम पर आ गए हैं। बताइए, इनको करना चाहिए था कि अभी जो है मेरिट के आधार पर नियोजित करवा लेना चाहिए था, और नियोजित करवाने के बाद ये एग्ज़ाम करवाना चाहिए था, ताकि इनसे पहले जो नियोजित शिक्षक हैं उनके समान इनका जो है व्यवहार हो जाता। लेकिन ये दुर्व्यवहार पता नहीं कैसे लोग सह रहा है। हालांकि देखिए, अभी शिक्षक अभ्यर्थी जो नियोजित शिक्षक थे, अभी आंदोलन स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक ना। अभी एक वीडियो आया था कि आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ है, पटना में ज़्यादा नहीं 150 को एक जगह होकर के, और जो नियमावली का प्रति है उसे जलाया गया है और विरोध में जो है नारे लगाया गया है। तो अभी शिक्षक अभ्यर्थियों को अस्थिर रहना है, क्योंकि अभी शिक्षक नियोजित शिक्षक के आंदोलन चलने वाला है, और हो सकता है कि कुछ ना कुछ बदलाव हो। हालांकि सरकार को इससे क्या होगा, ये नियमावली से, कि भाई बहुत लंबे समय में बहाली होगी, वैकेंसी को भरा जाएगा और बहुत कम भरा जाएगा। आप सोचिए कि 2 लाख जब लोग फॉर्म भरेंगे तो मुश्किल से 10-20% पास होंगे, तो कितना को जॉब मिलेगा, ये सब होता है। चलिए छोड़िए, हम प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो बिहार में सेवेंथ फेज कब होगा, अब देखिए ऐसा तो अनुभव लगाया जा रहा है, एनालिसिस अगर आप देखे होंगे पहले के वीडियो में तो आप जानते होंगे, आप ऐसे भी आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, किसी से कम नॉलेज आपके पास है नहीं, लेकिन वीडियो देखने से एक संतुष्टि मिलती है कि भाई आने वाले समय में 2024 और 2025 है ना, ये क्या है, चुनाव का समय है, तो सरकार चाहेगी कि इस समय यानी विधानसभा चुनाव से पहले हम ये भर्ती एक बार कम से कम एग्ज़ाम लेकर के करवाएं, ताकि उन्हें फ़ायदा हो। 2024 में भी ये चाहेगी करवाना, लेकिन इतना संभव नहीं, क्योंकि जब एग्ज़ाम का पैटर्न, उसे नोटिफिकेशन निकलेगा, 2 महीना फॉर्म अप्लाई होगा, उसके बाद एग्ज़ाम डेट
बहुत सारा तितिम्मा है, अगर पेपर लीक हो गया तो फिर से 6 महीना बैठिए, ये सारा चीज़। हालांकि पेपर लीक नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन हो जाता है, बीपीएससी का पेपर भी लीक हो जाता है ना, तो ये सारा चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के नोटिफिकेशन जो है 2-3 महीना के अंदर आ जाना चाहिए। हालांकि सरकार को अभी चाहिए था कि तुरंत नोटिफिकेशन दे दे ताकि कोई बवाल ना हो, लेकिन सरकार तो चाहती आम जनता को जो है परेशान करना, परेशानी बढ़ रही है इससे। अभी तुरंत 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन यदि आ जाता है, 1 सप्ताह छोड़िए ना, 2-4 दिन के अंदर अगर नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई फॉर्म भरो, सब लोग जाति आवासीय में लग जाएगा बनाने में और फॉर्म भरने में लग जाएगा, कहाँ आंदोलन करेगा कोई। लेकिन सरकार को पता है क्या है रवैया, है ना। खैर क्या कर सकते हैं आम लोग, हम लोग क्या कर सकते हैं, आंदोलन का भी तो कोई नतीजा नहीं मिलता है। चलिए अगला है कि बहाली की प्रक्रिया कैसी होगी। प्रक्रिया तो साफ स्पष्ट में नियमावली में लिखा गया है कि भाई प्रत्येक जिला से रोस्टर तैयार किया जाएगा, कितना सीट किस कैटेगरी में है उस हिसाब से बीपीएससी जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा और हिसाब से बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा और क्वालिफाई नंबर रखा जाएगा कि इतना में पास। उसके बाद सीट से ज़्यादा यदि पास होंगे तो मेधा अंक बनाया जाएगा, और सीट से ज़्यादा मेधा अंक कहने का मतलब सीट से ज़्यादा अगर पास नहीं होगा तो मेधा अंक नहीं बनेगा, साफ है स्पष्ट है। अगर सीट मान ले जाए 80,000 है प्राइमरी में, अब पास हो गया 90,000 तो मेधा अंक तो बनेगा ही, है ना। अगर पास कम होता है मेधा अंक बनाने की क्या ज़रूरत है, सबको नियुक्ति मिल जाएगा, तो प्रक्रिया ऐसा ही होने वाला। चलिए पेपर कौन करवाएगा, तो ये तो स्पष्ट है कि बीपीएससी ही करवाएगा। अब है कि परीक्षा कब होगी, तो यही है कि भाई ये चुनाव के आसपास ही ये परीक्षा होने का संभावना है, तो 25 नहीं जाएगा 24 मानिए, या तो 2023 के लास्ट में अगर फास्ट काम होता है तो 2023 के लास्ट में एग्ज़ाम होने की संभावना ज़्यादातर है। सिलेबस क्या होगा दोस्तों कोई नहीं जानता है, जब नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो सिलेबस कैसे पता चलेगा। हाँ लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जब बीपीएससी कराएगा तो मैथ रीजनिंग जीके तो रहेगा ही, ये आप मान के चलिए। और सीटेट में जो पढ़े हैं सीडीपी है ना ईवीएस, ये सबसे भी क्वेश्चन रहेगा ये मान के चलिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सुपर टेट, देखिए सभी लोग कह रहा था सुपर टेट तो यूपी में होता है, बिहार के सबसे उच्च आयोग और बोर्ड इस परीक्षा को करवाएगी तो हो सकता है कि कोई नाम इसे दे सकता है। हालांकि कोई अभी नहीं कह सकते कि सुपर टेट ही नाम रहेगा, ठीक है। तो सिलेबस तभी पता चलेगा दोस्तों जब इसका नोटिफिकेशन आउट होगा। अब है कि पेपर किस मोड में होगा, तो देखिए दोस्तों अभी जो बीपीएससी एग्ज़ाम करवा रही है ऑफलाइन मोड में होता है, पेपर मिलता है गोला को रगने वाला होता है, इस तरह का एग्ज़ाम होता है। अभी भी बीपीएससी जो है ऑनलाइन मोड में अभी एग्ज़ाम नहीं करवाई है, तो ज़्यादातर संभावना है कि ऑफलाइन ही पेपर होने वाला है। तो दोस्तों इतनी छोटी सी वीडियो में इतना सारा जानकारी मैंने दिया है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।